तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं पावर बीआई पे। जी हाँ, पावर बीआई। हमने पावर बीआई पे अभी तक डैक्स फंक्शन और बाकी चीजों पे डिस्कस किया था। हमने डेटा कनेक्शन, डेटा कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप और डैक्स फंक्शंस, सारे जो मेजर चार्ट्स होते हैं, जो विजुलाइजेशंस होते हैं, उस पर हम डिस्कस किया। उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लिया हमने। नया टेबल कैसे बनाना है और फॉर्मूले वगैरह कैसे उसमें अप्लाई करनी है, इन सबों पर हमने डिस्कस किया। अब चलिए कुछ हम अगली जो हमारा 10 या 12 क्लासेज होगी वो सिर्फ होगी हमारी डैशबोर्ड्स बनाने की। ओके सर, तो आज की पहली डैशबोर्ड्स हम शुरुआत थोड़ा सा बेसिक से कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए जैसे डैशबोर्ड का सैंपल मैंने ये निकाला हुआ कि मुझे इसी सैंपल का डैशबोर्ड बनाना है। दिख रहा है सर? इसमें देखिए क्या है, इसमें पहले तो यहाँ पे डेट वाइज सेल्स हैं, डेट वाइज ऑर्डर्स हैं, और यहाँ ऑर्डर का टोटल दिया हुआ है। देन यहाँ पे टॉप 5 ए है हमारे डेट्स हैं। इसके बाद ये कंट्रीब्यूशंस हैं, और फिर यहाँ पे हमारे न्यू कस्टमर है का डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो इसके लिए हमने डेटा तैयार किया है। हम चलिए डेटा को पैच करते हैं। तो कुछ इसी तरह का, सेम इस तरह का नहीं, मैं कुछ इसी तरह का रिपोर्ट हमें तैयार करना है। और यहां से हमने डेटा को लिया और यहां से इसको लोड कर लिया। सर, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं स्क्रीन देता हूँ आप लोगों को। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मैं जो है इस तरह का डैशबोर्ड एक जो दिख रहा है आपको, मैं बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरे ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स होंगे, रिसेंट ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पे जो है हमारा न्यू ऑर्डर्स होंगे, राइट। इसी तरह का हम बनाने जा रहे हैं। हमने डेटा को यहाँ पे जस्ट पैच किया है, और डेटा में चलते हैं। डेटा क्या है हमारा, तो बेसिक डेटा में सेल्स आईडी है, डेट है, नेम है, सिटीज है, क्वांटिटीज है, एमआरपी है, और कस्टमर का टाइप है यहाँ पे दिया हुआ, ओल्ड एंड न्यू दोनों टाइप है। मैं एस आईडी के ऊपर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इसको शॉर्ट असेंबली। ओके, क्लियर है? सबसे पहले मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे आपको पता है हम क्या करेंगे, न्यू कॉलन ऐड करेंगे, और न्यू कॉलम्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे अमाउंट, और अमाउंट पे हम करेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआर। यहाँ पे कॉमा लग गया गलती से। तो आते हैं अपने रिपोर्ट्स पे। तो सबसे पहले मुझे टोटल ऑर्डर्स चाहिए डेट वाइज, तो मैंने यहां पे अपना एक काम करता हूं, मैं लाइन चार्ट लेता हूं, लाइन चार्ट, और मैं अपने इसके डेट्स को उठाया, हमने यहां पे रखा, और हमने अपने क्वांटिटी को हम यहां पर रखा, और इसको पूरा में हमारा चाहिए। अब ये क्या है हमारा ईयर के हिसाब से, तो यहां से हम ड्रॉप डाउन कर दें। देखने थोड़ा तो सा नीचे ऊपर हेडिंग भी तो चाहिए हमें। क्वार्टरली, ये आ गया मंथली, ईयरली भी कर सकते, यहाँ पे डेट वाइज भी कर सकते हैं, समझे, हम डेट वाइज भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मंथ के हिसाब से चले, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइसर ले रहा हूँ, और स्लाइसर में हम अपना डेट को उठा कर रख रहे हैं। तो जैसे ही स्लाइसर में डेट को उठा कर रखा, ये इस तरह से मुझे आ गया कि मुझे कहाँ से क्या लेना है, ये स्टार्ट डेट फ्रॉम फॉर्म डेट, बट ऐसा नहीं चाहिए मुझे।
मैं यहाँ पे बिटवीन बिफोर ड्रॉप डाउन रिलेटिव डेट एंड रिलेटिव टाइमिंग आ रही है, लिस्ट आ रही है, लिस्ट चाहिए आपको, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लगा दिया। तो यहाँ पे डेट्स आ रहा है, पर डेट्स उतने सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो मंथ के अकॉर्डिंग करना है ना, क्या सर? तो हमने यहाँ पे एक और कॉलम बनाया मंथ का, मंथ, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया फॉर्मेट का, यहाँ पे हमने दिया डेटा अपना डेट। अब यहाँ पे डेट नहीं सिलेक्ट करना है हमें, हमें डेट लेना है, यहाँ सीट की डेट लेनी है, तो नीचे वाला देखिएगा सीट का, वो सारे लोग क्या है ना ऊपर देते हैं, फंक्शन है, एफएक्स लगा हुआ है, ये फंक्शन है। हमने यहाँ पे सेल्स डेट को सिलेक्ट कर लिया, सेल्स डेट में मुझे कॉमा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए MMM-YY, क्योंकि मेरे पास मल्टी ईयर का डेट है, सो मुझे डेट चाहिए ईयर के साथ चाहिए। आगे सर, अब मैं वापस अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ, और यहाँ पे हम जो है डेट को हटाते हैं और मंथ्स को यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं मंथ फिल्टर आ गया, बेटर है सर। इसको छोटा मैं करता हूँ थोड़ा सा, और उसको उठाता हूँ और अपने इस रिपोर्ट के यहाँ इस कोने में रख देता हूँ, जिससे मेरा पूरा रिपोर्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैंने अप्रैल 20 लिख दिया, तो मेरा अप्रैल 20 का आ गया। क्लियर सर? मुझे यहाँ पे ओवरऑल टोटल भी आना चाहिए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको टोटल क्या चाहिए, तो मैं यहाँ मेजर्स पे जाता हूँ, मैं टोटल आपको आखिर टोटल चाहिए क्या, बात समझ रहे हैं सर? अगर आपने यहाँ मेजर्स पे गए और मुझे यहाँ पे मैंने दे दिया और यहाँ पे हमने और यहाँ पे हम फॉर्मूला दे दिए सम का, सम, और सम में हमने बोला कि हमें अपनी क्वांटिटी का सेल करना है, सम करना है डेट, हाँ या क्वांटिटी। अब मैं यहाँ लेता हूँ अपना कार्ड और कार्ड में डालता हूँ अपने टोटल सेल्स को, तो 1441 टोटल सेल्स है। अब यहाँ पे चेक करना है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ अप्रैल को सिलेक्ट करता हूँ, तो मंथ के हिसाब से मेरा चेंज हो रहा है ना सर? क्योंकि तो फिल्टर आपके मेजर्स के फॉर्मूले पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे यहां पे एक चाहिए टिल्ड सेल, ये तो 1441 हुआ है अप्रैल का, दिख रहा है सर? ये 1417 जो दिख रहा है, ये तो अप्रैल महीने का सेल हुआ, लेकिन मुझे दिखाना है टिल्ड, मतलब कि कंप्लीट सेल्स कितना है उसका। तो फिर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तो फिर अगर हम इसी टेबल से इस पे लगाए तो स्लाइसर उस पे इफेक्ट डालेगा। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू टेबल जनरेट करते हैं और उसमें लिखते हैं टोटल और यहां पे हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम, सम में हम देते हैं अपना क्वांटिटी,
यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ, ऑल ऑल में हम दे देते हैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं, यहाँ पे एक समरी अलग से क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल यहाँ पे सेल्स, और यहाँ पे हम सम एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिल्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, फिल्टर में हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स को, और हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि नेम मतलब कि सेल्स नेम इज इक्वल टू टोटल टोटल सेल्स। मैं देखिए टोटल सेल्स दो दो है, दिख रहा है ना आपको सर, ये आपका फील्ड है, ये आपका टेबल है, तो मैं टेबल को सिलेक्ट करना है, टोटल सेल्स नेम, हमने यहाँ पे सम एक्स को दिया ही नहीं, सम किसको करना है, तो हमने दे दिया यहाँ पे सेल्स की क्वांटिटी को, आ गया। अब मुझे आना है यहाँ पे और यहाँ पे न्यू मेजर्स को क्रिएट करना है, न्यू मेजर्स मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, न्यू मेजर्स डायरेक्ट क्विक मेजर्स को छोड़ के न्यू मेजर्स भी कर सकता हूँ। यहाँ न्यू मेजर्स में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिल नेम की ओवर और यहाँ पे हम सिंपल सा सम और सम में टोटल सेल्स क्वांटिटी दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं कार्ड ऐड करता हूँ अपना, उस कार्ड पे हम यहाँ पे सेल, यहाँ पे एक मेजर्स में ओवरऑल सेल्स बनाया हुआ है, इसको डाला, छोड़ा गया हमने इसको, मुझे इसको क्वांटिटी ये नहीं चाहिए, मतलब कि इसे फिगर आउट नहीं चाहिए, तो हमने डेटा लेबल पे गया और जो यूनिट्स को नन कर देता हूँ, ओवरऑल आएंगे फिर, और यहाँ पे मैंने ओवरऑल का डाल दिया इसी के बगल में, जस्ट बैकग्राउंड कलर है तो इसकी जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहां से डाल देता हूं। बट बीच में एक सेपरेटर होना चाहिए, तो हम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स सैप्स, सैप्स में हम लाइन लेते हैं और लाइन, हाँ वर्टिकल ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के हम इसमें डाल देते ठीक है सर। तो इससे जो है कोई फर्क आपका नहीं पड़ रहा है, इसमें नहीं पड़ रहा है ना सर, उसके बाद मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए टॉप, इसका टॉप सेलिंग्स का टेबल में मैं नेम वाइज यहाँ पे नेम नेम को यहाँ रखा और हमने यहाँ पे अपना क्वांटिटी को यहाँ रखा, देन एमआरपी हम यहाँ रखते हैं, ये डेटा हमारा हो गया, ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ इसकी, हाँ और इसको भी ऊपर कर देता हूँ,
ऐसे हम सिटी वाइज भी करते हैं। सिटी कहाँ गया, सिटी, और यहाँ पे हम देते हैं टोटल क्वांटिटी। इसकी एक काम फॉर्मेट में आता हूं, वैल्यू साइज जो है टेक्स की मैं यहां से इंक्रीज कर देता हूं ताकि दोनों एक लेवल में आ जाए। क्या सर, ठीक है? अब मुझे ये तो हो गया, इसके बाद मुझे यहाँ पे एक पाई चार्ट चाहिए। ये तो चार्ट नहीं, हाँ पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट जिसमें मैं अपना नेम वाइज अमाउंट का जो टोटल अमाउंट है हमारा बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ऊपर। बाद हम इसको लेते हैं सिटी वाइज लेते हैं और सिटी वाइज भी अमाउंट की कैलकुलेट कंट्रीब्यूशंस रखते हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे अपना ए चार्ट लेते हैं और इसमें अपना डेट, अपना जो डेट है उस डेट को डालते हैं। नहीं डेट नहीं, डेट नहीं, मंथ जो है हमारा, यहाँ पे मंथ हो, मंथ को डालते हैं और सेल्स को डालते हैं क्वांटिटी में, क्वांटिटी डालते हैं। यहाँ पे एक मिनट, डे ये मंथ यहाँ नहीं डालेंगे, मंथ हमें स्लाइसिंग के बनाया था ना, हम यहाँ पे डेट को ही डालेंगे। जी हाँ, सेल्स बाय डे, लेकिन इसमें छोटा सा फर्क होगा। इसमें जो हम डालेंगे ऊपर, यहां पे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, यहां पे दिख रहा है फिल्टर, तो फिल्टर हमने यहाँ पे फिल्टर क्राइटेरिया में ऐड फिल्टर फिल रेयर, तो फिल्टर फिल रेयर में मैं सिंपल अपना यहाँ पे टाइप को डालूंगा और टाइप में हमें न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? तो यहां जो भी आ रहा है लिस्ट जो आएगा ओनली फॉर न्यू के लिए आएगा। ये पूरे पे अप्लाई हो रहा है लेकिन मुझे सिर्फ इस पे करना था फिल्टर। अब यहां भी दिक्कत हो रही है सर, हमें यहां पे फिल्टर अप्लाई करना है सिर्फ इस फील्ड के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो पूरा यूज हो रहा है ना, देख रहे हैं सर? हेलो, मैं यहां से हटा देता हूँ फिल्टर, तो मुझे पूरी रिपोर्ट की फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए, मुझे यहां जो डेटा चाहिए वो सिर्फ डेटा चाहिए किसका, न्यू सेल्स का, जो हमारा न्यू सेल्स है उसका डेटा आना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें एक नया टैब यूज करना पड़ेगा, ठीक है इम्तियाज जी? जैसे मैंने यहां पे यूज किया हुआ है, इसको मेन डेटा से अलग करके एक नए डेटा पे डालना होगा।
हेलो जी सर, टाइप यहाँ मैं डाल देता हूँ फिल्टर में, फिल्टर ऑन। हाँ एक मिनट, तीन चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ऐड फिल्टर डेटा हेयर, दूसरा आता है ऐड फिल्टर दिस पेज, यहाँ पे ऑल पेजेस। अच्छा इसमें क्लिक करता हूँ मैं, शायद मैं देखा नहीं ध्यान से, इस पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, हाँ सही है सही है, मेरी गलती है सर। देखिए फिल्टर में तीन सेक्शन होते हैं, मैं फिल्टर शायद आपको कराया नहीं है, फिल्टर तीन सेक्शन होते हैं। एक जो पहला सेक्शन होता है जो कि जो सिलेक्टेड है आपका इमेज उस पे फिल्टर करना चाहते हैं, दूसरा होता है फिल्टर पूरे पेज पे करना है, और तीसरा होता है कि इसके अंदर जितने भी पेजेस है सब पे फिल्टर करना है। तो मैं गलती से फिल्टर दिस पेज पे रख दिया था और मैं भूल गया था सर, तो मैं यहाँ पे अपने इसके टाइप को उठाऊंगा और इस पे रखूंगा और यहां से मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा, तो सिर्फ मेरे न्यू वाले सेक्शन ही यहाँ आएंगे, न्यू वाले सेल्स की आएंगे, समझे। और फिर मैं यहाँ पे एक और मेजर्स लगा दूंगा, यहाँ पे एक और न्यू मेजर्स लगा दूंगा, यहाँ पे न्यू कस्टमर, यहाँ पे सम, सम में हमने देंगे हमें सम, इस पे सम एक्स करना पड़ेगा सर, सम एक्स में हमें देना है फिल्टर, फिल्टर में हमें देना है हमें कौन सा डेट सेल्स का, सेल्स, और इसमें क्राइटेरिया होगा हमारा सेल्स की टाइप, सेल्स का जो टाइप है इक्वल टू न्यू होगा, मुझे यहां इसकी क्वांटिटी को सम करना, तो फिर मैं यहाँ पे एक इस पे कलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर मैं क्या बोलते हैं न्यू कस्टमर को डाल दूंगा, मेरी गलती मेरी गलती, कस्टमर को उठाऊंगा और इसमें पुट कर दूंगा, मिनट ऊपर में डाल लीजिए सर, मिनट के इसमें से मुझे हटाने दीजिए, दिक्कत हो रही है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और न्यू कस्टमर्स को उठा के इसमें डाल दिया, मैंने ये चीज यहां डाली है और इसकी बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर देता, ठीक है सर। मुंगे डैशबोर्ड क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है ठीक है अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। सर, ये रिकॉर्डिंग और भेज देना ना आज की, मैंने क्या एक्चुअली मोबाइल पे रिकॉर्डिंग देख। और डेटा मैं दोनों भेज देता हूँ आपको। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।